वेलकम मैन, जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं गुरकीरत लेकर आई हूँ सभी यूपीएससी एनडीए एवं सीडीएस एस्पिरेंट्स के लिए 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द इंडियन मिलिट्री एकेडमी। लेट्स बिगिन दिस वीडियो और आपके जोश एंड मोटिवेशन को और दुगना करने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है फॉर मोर सच लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में स्थित है और ये ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी है इंडियन आर्मी की। आईएमए का एस्टैब्लिशमेंट 1932 में हुआ और तब से लेकर अब तक इंडियन मिलिट्री एकेडमी को भारत एवं विश्व स्तर पर अनेकों बार सराहा गया एवं सम्मानित किया गया फॉर द क्वालिटी ऑफ कैडेट्स आईएमए प्रोड्यूसेस एवरी ईयर। आइए शुरू करते हैं हमारा पहला पॉइंटर, दैट इज ओरिजिन। आईएमए का ओरिजिन कैसे हुआ? इंडियन लीडर्स ने परसुएट किया इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 1930 लंदन में हुई थी। तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एग्री किया और इंडियन मिलिट्री कॉलेज कमेटी को सेटअप किया जिसके चेयरमैन थे फील्ड मार्शल सर फिलिप चेटवुड। 1931 में इस सेम कमेटी ने रिकमेंड किया कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी को देहरादून में बनाया जाना चाहिए जहां हम हर वर्ष 40 कमीशन्ड ऑफिसर्स को साल में दो बार पास आउट करेंगे 2.5 ईयर्स की ट्रेनिंग के बाद। नेक्स्ट पॉइंट इज पिक्चर सीक लोकेशन। इंडियन मिलिट्री एकेडमी फुट हिल्स ऑफ हिमालय में लोकेटेड है, एक बहुत ही सुंदर सीनिक ब्यूटी के बीच में। ये इंस्टीट्यूट देहरादून उत्तराखंड के 8 किलोमीटर वेस्ट में लोकेटेड है। आईएमए स्प्रेड ओवर 1400 एकर्स नियर द फेमस टॉन्स वैली। आईएमए की नेचुरल ब्यूटी को कॉम्प्लीमेंट करता है आईएमए के आर्किटेक्चरल ब्यूटीज जो कि हैं चेटवुड हॉल, कमांडेंट्स रेसिडेंस, किंग्सली ब्लॉक एंड कॉलिंस ब्लॉक। थर्ड इज द नेशनल हाईवे 707। इंडियन मिलिट्री एकेडमी इज लोकेटेड ऑन नेशनल हाईवे 707 जिसे पहले NH-72 भी बोला जाता था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी के नॉर्थ एंड साउथ कैंपस को ये नेशनल हाईवे 707 सेपरेट करता है क्योंकि ये बिल्कुल बीच से गुजरता है जहां आम पब्लिक के लिए रास्ता बनाया गया है अपना ट्रांसपोर्टेशन करने का। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आईएमए के पाइनियर्स किसको बोलते हैं? फर्स्ट बैच ऑफ आईएमए कैडेट्स को बोला जाता है द पायनियर्स। सैम मानेकशॉ इसी बैच को बिलोंग करते थे जो इंडिया के फर्स्ट आर्मी ऑफिसर थे जिन्हें रैंक ऑफ फील्ड मार्शल तक प्रमोट किया गया। पायनियर्स को ह्यूज रेपुटेशन मिला क्यों? क्योंकि आईएमए ने इस पायनियर बैच में 3-3 चीफ्स दिए हैं फॉर इंडिया, बर्मा एंड पाकिस्तान। इंडिया में थे सैम मानेकशॉ, बर्मा के थे स्मिथ डून एंड पाकिस्तान में थे मोहम्मद मूसा। अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है कि ये इंडिया, बर्मा, पाकिस्तान क्यों, तो आपने फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की मूवी देखनी है, आपको और क्लैरिटी मिलेगी। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ 8th चीफ थे आर्मी स्टाफ के इंडिपेंडेंट इंडिया के। उन्होंने सर्व किया है इन द पोजीशन फॉर अबाउट 4 ईयर्स बिटवीन 1969 to 1973। सैम मानेकशॉ ने इंडिया की विक्ट्री ओवर पाकिस्तान 1971 के वॉर में भी एक अहम भूमिका निभाई है जिसकी वजह से बांग्लादेश एक नया नेशन बनके उभरा था। आपको पता है आईएमए के कैडेट्स को जेंटलमैन कैडेट्स बोला जाता है। एक ट्रेनी जो आईएमए में ट्रेनिंग करता है वो जेंटलमैन कैडेट कहलाता है। इसका एक रीजन ये भी है क्योंकि आईएमए में ये एक्सपेक्ट किया जाता है एक ट्रेनी जब पास आउट होता है तो वो हाईएस्ट मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज होल्ड करता है। बिसाइड सैम मानेकशॉ, आईएमए के एल्यूमिनी थे वेद प्रकाश मलिक जो आर्मी चीफ थे ड्यूरिंग द कारगिल वॉर जब पाकिस्तान के साथ हुआ था इन 1999, एंड मेनी अदर आर्मी जर्नल्स एंड रेसिपिएंट्स ऑफ ऑनर्स लाइक परमवीर चक्र। अभी तक 50,000 से ज़्यादा फॉरेन कैडेट्स ने आईएमए से पास आउट किया है और ये फॉरेन कंट्रीज हैं अफगानिस्तान, भूटान, घाना, मलेशिया, नाइजीरिया, युगांडा एंड येमेन। नोटेबल बात ये भी है कि अमंग द फॉरेन कैडेट्स जो थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया हैं टून हुसैन ऑन एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया बदमासी बवांगिड़ा, ये भी आईएमए के पास्ड आउट कैडेट्स हैं। अब बताती हूँ आपको आईएमए के वॉर मेमोरियल के बारे में। आईएमए के वॉर मेमोरियल
विद इट्स पिलर एंड कॉलम्स ऑफ धौलपुर स्टोन पे करते हैं होमेज टू द एल्यूमिनी ऑफ द अकेडमी जिन्होंने देश के लिए अपनी जान गंवाई है. एट द सैंटम सैंक्ट्रोनम ऑफ द मेमोरियल एक ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ अ जेंटलमैन कैडेट है विद द स्वॉर्ड प्रेजेंटिंग आर्म्स. ये मेमोरियल फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने 17 नवंबर 1999 को इनॉग्रेट किया था जस्ट अ फ्यू वीक्स आफ्टर द कारगिल वार. अब बात करते हैं IMA के ट्रेनिंग की जो ऑलराउंड डेवलपमेंट पर फोकस्ड है. अपार्ट फ्रॉम द डेली फिजिकल प्रैक्टिस और जो रूटीन मार्च होते हैं, लेक्चर्स होते हैं, इंडियन मिलिट्री अकेडमी वैरायटी ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लॉन्च करती है अपने कैडेट्स के लिए जो उनके ऑलराउंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है. ये प्रोग्राम्स ना सिर्फ डिफेंस ओरिएंटेड होते हैं या मिलिट्री ट्रेनिंग ओरिएंटेड, बट इसमें अदर एक्टिविटीज लाइक फोटोग्राफी, पेंटिंग, सेमिनार्स, टर्म पेपर्स, टूर्स एंड स्पोर्ट्स भी इंक्लूडेड है. क्या आपको पता है IMA के 4 बटालियंस के बारे में? IMA कैडेट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं एज अ रेजिमेंट और उसके अंदर 4 ट्रेनिंग बटालियंस होती हैं. ये बटालियंस नेम्ड हैं आफ्टर द 4 जनरल्स ऑफ द इंडियन आर्मी, नेमली करियप्पा, मानेकशॉ, थिम्माया एंड भगत. ये 4 बटालियंस हैव 4 कंपनीज ईच. बिसाइड्स देयर इज वन मोर बटालियन जिसे बोलते हैं सियाचिन बटालियन इन द इंडियन मिलिट्री अकेडमी. अब बात करते हैं IMA में वॉरियर्स कैसे तैयार होते हैं. मेकिंग ऑफ अ वॉरियर एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्री है इंडियन मिलिट्री अकेडमी पर. ये डॉक्यूमेंट्री दीप्ति भल्ला एंड कुणाल वर्मा ने बनाई थी जिससे कि IMA के कल्चर का, ट्रेडिशन का, ट्रेनिंग रिजीम का एक ग्लिम्स मिल सके. ऋतिक रोशन की मूवी 2004 में बॉलीवुड मूवी थी लक्ष्य वॉज पार्टली शॉट इन IMA. तो आप ये दोनों डॉक्यूमेंट्रीज एंड मूवीज देख सकते हैं जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिले. नाउ कमिंग ऑन टू द IMA's मोटो एंड क्रेडो. इंडियन मिलिट्री अकेडमी का मोटो है वीरता और विवेक, वेलर एंड विजडम. IMA हैज अ क्रेडो which is inscribed in the oak paneling at the eastern entrance of Chitwood Hall. Credo was excerpted from the speech of Field Marshal Chitwood at the inauguration of the academy in 1932. Aur credo kuch is prakar hai. The safety, honor and welfare of your country comes first, always and every time. The honor, welfare and comfort of the men you command come next. Your own ease, comfort and safety come last, always and every time. Hope आज की मेरी ये वीडियो आपको इंडियन मिलिट्री अकेडमी के लिए मोटिवेट करने के लिए काफी रही होगी. ऐसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए, लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स को जानने के लिए बने रहे टीम सेंचुरियन के साथ. टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू, नमस्कार एंड जय हिंद. क्या आप भी आर्म्ड फोर्सेज में ऑफिसर बनना चाहते हैं? तो रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आज ही जुड़े सेंचुरियन के 21 डेज SSB बैच के साथ, जहां आपको मिलता है रेगुलर PPDT सेशंस और साइकोलॉजी टेस्ट्स की तैयारी के साथ ही मॉक इंटरव्यूज और कॉन्फ्रेंस का एक्सपोजर. GTO की बेहतरीन ट्रेनिंग के लिए इंडियाज लार्जेस्ट GTO ग्राउंड फ्री रणनीति बुक ऑथर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट शिशिर दीक्षित, सर CPSS ट्रेनिंग बाय रिटायर्ड एयरफोर्स पायलट, free spoken English daily profile mapping by psychologist Shishir Dixit sir, individual guidance and personalized feedback, military awareness by Major Gain Sabharwal sir, rigorous PPNDT, GPE, GD, lecturette, OIR practice or chief SSB mentor sir Shishir Dixit ke netritv mein expert panel ka guidance. To aaj hi enroll kariye Centurion ke 21 days SSB interview batch mein.